जी मैं हूं शेरी खान। कल आज जो वाकया पेश आया कैसर सनाउल्लाह खान पर कातलाना हमला हुआ है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है वजीर अला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से, आईजी पंजाब से, सीसीपीओ लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर साहब से कि वो इन के जो जिन्होंने ये कातलाना हमला किया है उनको जल्द से जल्द गिरफ़्तार करें और उनको कैफर करदार तक पहुँचाएँ ताकि जो ये खौफ व फराज की फ़जा कायम हुई है ये ख़त्म हो जाए। मैं हूं राशिद महमूद, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, पैटर्न इन चीफ, पंजाब आर्टिस्ट प्रोड्यूसर थिएटर एसोसिएशन, रेडियो थिएटर टीवी और फिल्म आर्टिस्ट। हमारी एसोसिएशन के चेयरमैन कैसर सनाउल्लाह खान पर कातिलाना हमला हुआ है और उसकी टांगों पर गोलियां लगी हैं। हमारी आईजी पंजाब, सीसीपीओ लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर, डीआईजी ऑपरेशन, एसएसपी सीआईए, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और डीएसपी गार्डन टाउन मजहर साहब से गुजारिश है कि फौरी तौर पर ये जो खौफ व हिरास की फ़जा कायम हुई है इसको ख़त्म कराएं और कानून के मुताबिक हमारे चेयरमैन कैसर सनाउल्लाह खान को इंसाफ दिलाएं और जिन लोगों ने यह हरकत की है उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करके सजा दी जाए। बहुत शुक्रिया। हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना इमरान शौकी। एक बहुत बुरी खबर हम मैंने सुनी है जो कि रात हुआ है, एक बकुआ जो कि हमारे थिएटर के कैसर सनाउल्लाह साहब चेयरमैन हैं उनके साथ जो बकुआ हुआ बहुत ही शर्मनाक हरकत है। और मैं अपने डीआईजी साहब से और एसएसपी साहब को और सीपीओ साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त आपने गुंडा एक्ट लगाया हुआ है जो कि गुंडा एक्ट में ये हालात हैं तो आम हालात में ये लोग क्या करते होंगे। आप प्लीज़ इस पे गौर करें, जो लोग हैं नामालूम उनको लाकर सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सजा दें क्योंकि ये लोग फनकारों को प्रमोट करते हैं, फनकारों की इज्जत बढ़ाते हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा और इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ इस वकूए की। अल्लाह मियाँ कैसर सनाउल्लाह साहब को सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए और अपने बच्चों के सर पर सलामत रहे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं कैसर पिया। तो मैं बस ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि कल जो हमारे चेयरमैन है प्रोड्यूसर एसोसिएशन के कैसर सनाउल्लाह साहब, हमारे भाई हैं, उन पर कातलाना हमला हुआ है, मसलन के कोशिश की गई है उनको मारने की, तो अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी बचा ली है, उनकी टांग में गोली लगी है। तो नामालूम अफराद जो भी हैं तो हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि उनको इंसाफ दिया जाए क्योंकि ये एक जुल्म है, ज़्यादती है, तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए जिसने भी ये किया है। तो बहुत ज़्यादा मसलन बुरा फील हुआ है कोई प्रोड्यूसर के साथ या किसी भी फनकार के साथ ऐसी कोई बात हो, हरकत हो, तो बड़ा दुख होता है कि हम क्या कहते हैं, मुस्कुराहटें बांटने वाले लोग हैं सब। हम चाहते हैं कि आप लोग खुश रहें, मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें। तो ये बस हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि जो भी कसूरवार है तो उसको जो भी है उस जुम्मे से कैसे साहब को इंसाफ मिलना चाहिए। थैंक यू। मानिक नागरीन, मैं आपका असद मुकड़ा। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, ये जो कल फायरिंग का वाकया हुआ हमारे कैसर सनाउल्लाह साहब के साथ, हम इनकी फनकार बरादरी भरपूर मजम्मत करते हैं और हकूमत से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ मिले और कैसर साहब को भी इंसाफ मिले क्योंकि कैसर साहब बहुत नाइस आदमी है। वो हम जो गरीब फनकार हैं उनको बहुत सपोर्ट करते हैं और उन्होंने लॉकडाउन में हमारा बहुत साथ दिया है। हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी लंबी जिंदगी करे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक, कैसर सनाउल्लाह खान, चेयरमैन आर्टिस्ट एसोसिएशन। उन पर जो फायरिंग का वकूआ हुआ उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और ये इंतहाई तकलीफ दे वाकया है। और ये फनकार जो होते हैं ये तो बड़े ही सादा से दिल के होते हैं, बड़े हिसास होते हैं। खुदारा इंतज़ामिया लाहौर से गुजारिश है कि फनकारों को ऐसे अमल से बचाया जाए और कैसर सनाउल्लाह खान को इंसाफ फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद खान, कैसर सनाउल्लाह प्रोड्यूसर थिएटर आर्टिस्ट एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं, वैसे भी रूह रवा हैं तमासिल थिएटर के, उन पर कातलाना हमला किया गया। हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब और सीसीपीओ लाहौर डोगर साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन्होंने ये काम किया है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये बहुत बुजदलाना हरकत है और हम इसका बहुत कंडेम करते हैं
कि हमारे फनकारों के साथ या हमारे प्रोड्यूसरों के साथ इस तरह होता है, ये बहुत बुरी बात है, इसका नोटिस लिया जाए। बहुत शुक्रिया।